हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल त्रिदेव। दिस इज उपासना सिंह और आज हम अपने जावा ड्रॉइंग के प्लेलिस्ट में जानेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। सो एब्स्ट्रैक्शन के इस टॉपिक में हम बेसिकली चार मेन चीजों पे फोकस करेंगे। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, वेज टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस एंड द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला की पॉइंट। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर। एब्स्ट्रैक्शन एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम यूजर को सिर्फ फंक्शनैलिटी दिखाते हैं और उसके पीछे जो हमने इम्प्लीमेंटेशन कर रखी है उसको हाइड कर लेते हैं। इट शोज ओनली एसेंशियल थिंग्स टू द यूजर एंड हाइड्स द इंटरनल डिटेल्स। इसमें हम यूजर को सिर्फ उसकी जरूरत के उसके काम की चीजें दिखाते हैं और अंदर की जो इंटरनल डिटेल्स है हमारी उन्हें हम हाइड कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो सेंडिंग SMS वेयर यू टाइप द टेक्स्ट एंड सेंड द मैसेज। तो हमने कोई मैसेज टाइप किया और जिसको हमने भेजना था हमने उसको सेंड कर दिया। सो हमें सिर्फ पता है हमने यहाँ पे हमने अपने फोन पे मैसेज टाइप किया और जिसके फोन में जाना था उसके फोन में वो रिसीव हो गया है। बट इंटरनली इसके पीछे क्या लॉजिक हो रहा है, क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है कि किस तरह एक मैसेज दूसरे के फोन पे हम ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ये फंक्शनैलिटी इंटरनली कैसे वर्क कर रही है हमें वो चीज नहीं पता है। यू डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग अबाउट द मैसेज डिलीवरी। ऑफकोर्स हमें इंटरनल प्रोसेसिंग नहीं पता है मैसेज डिलीवरी के बारे में। सो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कैसे करते हैं? देयर आर टू वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। दो तरीकों से हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। पहला है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दूसरा है इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जब हम यूज करते हैं तो उसमें 0 to 100% मतलब हमारा कंफर्मेशन नहीं रहता है कि कितने परसेंट हमें एक्यूरेसी मिलने वाली है। बट जब हम इंटरफेस का यूज करते हैं तो उसमें हम कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं और ये हमारा एक तरीके का इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होता है कि किस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्शन को 100% अचीव कर सकते हैं। सो इंटरफेस का यूज करने से हम एब्स्ट्रैक्शन को 100% अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। अ क्लास विच इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक ऐसी क्लास जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसने डिक्लेयर कैसे किया? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके। उस क्लास के आगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एक जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हमारे वो मेथड्स होते हैं जहां पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज हो रहा है। इट नीड्स टू बी एक्सटेंडेड एंड इट्स मेथड इम्प्लीमेंटेड। जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है इसको हमें एक्सटेंड करना भी होता है और इसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इसको हम लोग इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर विद एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करने हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना मैंडेटरी होता है। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स एंड स्टैटिक मेथड ऑल्सो। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे पास कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इंटरफेस। द इंटरफेस इन जावा इज अ मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। जो इंटरफेस होता है जावा में ये बेसिकली सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल होता है ताकि हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सके। देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन द जावा इंटरफेस नॉट द मेथड बॉडी। हमारे इस इंटरफेस में केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हो सकते हैं जावा के इंटरफेस में, जिनकी कोई भी बॉडी नहीं होती है। मतलब जो हमारे इंटरफेस में मेथड्स हैं इन मेथड्स की कोई भी बॉडी नहीं होती है। इंटरफेसेस कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड वेरिएबल्स। इंटरफेस का एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होता है और वेरिएबल्स भी होता है। इट कैन नॉट हैव अ मेथड बॉडी टू डिक्लेयर इंटरफेस। इनकी मेथड बॉडी नहीं होती ताकि हम इंटरफेस डिक्लेयर कर सके। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड टोटल एब्स्ट्रैक्शन। इंटरफेस की हेल्प से हम लोग टोटल एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं। दैट मींस ऑल द मेथड्स इन एन इंटरफेस आर डिक्लेयर्ड विद एन एम्प्टी बॉडी एंड ऑल फील्ड्स आर पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल बाय डिफॉल्ट। इसका ये मतलब है जो हमारे मेथड्स होते हैं इंटरफेस में उनकी हमारी एम्प्टी बॉडी ही होती है। मतलब बॉडी में हम लोग कुछ भी नहीं लिखते और उनकी जो फील्ड्स होती है वो पब्लिक भी हो सकती है, स्टैटिक भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है बाय डिफॉल्ट। अ क्लास दैट इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस मस्ट इंप्लीमेंट ऑल द मेथड्स डिक्लेयर्ड इन द इंटरफेस। ऐसी क्लास जिसमें हमने इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है ये कंपलसरी है कि हमने जो भी इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो उस इंटरफेस के सारे मेथड्स को उस क्लास में डिक्लेयर होने चाहिए। टू इंप्लीमेंट द इंटरफेस यूज द इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज करना होता है। जिस तरह क्लास को एक्सटेंड कराने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते थे इनहेरिटेंस में जो कि हमने देखा था, उसी तरह जब हम इंटरफेस को इंप्लीमेंट कराएंगे तो हम इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो चलिए आइए प्रैक्टिकली देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। सो गाइस, एब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए मैंने अलग से पैकेज क्रिएट कर लिया है और इसमें मैं अब एक क्लास क्रिएट करती हूँ जो कि हमारी मेन क्लास होगी। एंड बेसिक एग्जाम्पल के लिए इसे हम एनिमल रख लेते हैं ताकि आपको रियल वर्ड से आप समझ सको एब्स्ट्रैक्शन को हम लोग रियल वर्ड में कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज जैसे कि आपको पता है जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो जावा के कॉन्सेप्ट में हम अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स का यूज़ कर रहे हो, चाहे वो इनहेरिटेंस हो, चाहे वो पॉलीमॉर्फिज्म हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्शन हो, चाहे इनकैप्सुलेशन हो, वो सब रियल वर्ड में है। उन सब का एग्जाम्पल रियल वर्ड में है। दैट्स व्हाई हम उसको ऊप्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट इज लाइक रियल वर्ड एंटिटी। ओके, सो एनिमल है। एनिमल का बेसिक काम क्या करता है? एनिमल खाता जरूर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करती हूँ
बट अब एनिमल्स होते बहुत टाइप के हैं, लाइक एनिमल्स सॉरी यहाँ पे बट एनिमल्स होते बहुत टाइप के हैं, बहुत अलग अलग टाइप के मेथड एनिमल्स हो सकते हैं. काऊ भी एक एनिमल है हमारा, लायन भी एक एनिमल है, बट काऊ हमारी ऑफकोर्स वेजिटेरियन है, घास खाती है, और जो हमारा लायन है वो तो नॉन वेजिटेरियन है ना, वो तो शिकार करके खाता है. तो दोनों के खाने के तरीके में बहुत डिफरेंस है, ठीक है. बट अब हमें नहीं पता कि हमारे यूजर को कौन सा एनिमल का इस्तेमाल करना है, हमें सिर्फ एनिमल पता है, और एनिमल का बेसिक काम होता है ईट. तो मैंने ईट नाम से एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर दिया, बट चूंकि हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो हमारे एब्स्ट्रैक्शन का ये रूल है कि अगर हमारे कोई एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो क्लास बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हमें एब्स्ट्रैक्ट करनी पड़ती है. इसलिए आपको यहाँ पे एरर दिख रहा है, ठीक है. इसलिए अब चलिए यहाँ पे भी हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर लेते हैं. एरर चला गया ना, नाइस. अब ये जो ईट है, हमने जैसे कि दो एग्जाम्पल लिए, एक हमारा लायन, एक हमारा हो गया काऊ, तो दोनों की क्लासेस बना लेते हैं. सो मैंने यहाँ पे अपनी दोनों क्लासेस क्रिएट कर ली हैं एनिमल की. सो इसकी पेरेंट क्लास तो एनिमल है, तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके, सॉरी एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके हम अपने एनिमल क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड करा देते हैं, करा दिया. एंड उसके बाद इसने कुछ एरर दिया. एरर क्या दिया कि इसको अब इसका मेथड भी इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है. तो चलिए आइए इसका इसका मेथड इम्प्लीमेंट कर लेते. मेथड इम्प्लीमेंटेशन का मतलब, हमने एनिमल क्लास में अपना जो मेथड बनाया था, अपना एब्स्ट्रैक्ट मेथड, हमें काऊ क्लास में उसकी बॉडी देनी है, ठीक है. सी हमारा एरर चला गया, हमने बॉडी दे दी. अब बॉडी देने के लिए हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट करके सिंपल से एक लाइन प्रिंट करा देते हैं. काऊ क्या करती है, ईट ग्रास, ग्रास खाती है. सिमिलरली सेम मेथड हम अपने लॉयन क्लास में भी देते हैं, बस डिफरेंट बॉडी के साथ, क्योंकि लॉयन तो मीट खाता है. सो जैसे कि आपने देखा, मैंने लॉयन और काऊ दोनों में ही एनिमल का वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने जो किया था उसकी बॉडी दे दी, लॉयन में लॉयन के हिसाब से एंड काऊ में काऊ के हिसाब से. और हम अपनी एक और क्लास क्रिएट करते हैं, हमारी मेन क्लास. और अब इसके अंदर हम अपने दोनों ही चाइल्ड क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसके मेथड्स को कॉल करते हैं. नाउ अपने फाइल को रन कराते हैं. सो जैसा कि आपने देखा, मैंने पहले लॉयन का ऑब्जेक्ट बना के उसका मेथड कॉल किया था, तो ईट मीट आ गया. एंड उसके बाद हमने एक पार्टीशन रखा, उसके बाद मैंने अपना काऊ वाला ऑब्जेक्ट भी रन किया, तो ईट ग्रास आ गया. तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये कहना चाहता है कि यहाँ पे जब हम एनिमल में थे, हमें सिर्फ जब यहाँ की वर्किंग पता थी, तो मुझे पता था मेरे पास एक एनिमल नाम का ऑब्जेक्ट है जिसका ईट नाम की वर्किंग है, मतलब वो खाता है, बट एग्जैक्टली वो क्या खाता है एंड वो किस टाइप का एनिमल है हमें नहीं पता था. तो जब आपके पास कोई आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं कि मैथड एक्चुअली क्या वर्क कर रहा है, तो हम वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है. जब हमें फिर बाद में पता चल गया कि हाँ बेसिकली इसका ये यूज़ है, फिर हमने मेन उसकी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करा दी अपनी चाइल्ड क्लास में और उस मेथड को एक बॉडी दे दी. सो आई होप आपको एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के यूज से समझ में आया होगा. अब हम इस सेम कॉन्सेप्ट इंटरफेस के थ्रू समझते हैं. सो गाइस, इंटरफेस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए चलिए पहले आप दो इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं, वैसे जैसे हमने लॉयन और काऊ का इंटरफेस क्रिएट किया था. जैसे कि हमने लॉयन और काऊ की क्लासेस क्रिएट करी थी, वैसे ही आप इसका भी इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं. और अब चूंकि ये इंटरफेस है, तो इसके अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्रिएट करते हैं. एंड देन गाइस, हम अपनी दूसरी क्लास क्रिएट करते हैं. और यहाँ पे हम अपने काऊ वाले जो हमारा जो काऊ वाला इंटरफेस है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे. अब इंटरफेस को
हम लोग एक्सटेंड नहीं कराते हैं, उसे हम करते हैं इम्प्लीमेंट. ओके, एंड देन हम अपने काउस जो कि हमारा इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट कर लिया. एंड नाउ हमें कुछ एरर दे रहा है. एरर क्या दे रहा है? ये एरर ये कहना चाहता है कि हमारा काउस वाला जो इंटरफेस है जो कि हमने जस्ट यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट किया है, उसमें कोई एक मेथड है जो कि इस वाले क्लास में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है. जैसे ही आप किसी भी इंटरफेस को किसी भी क्लास में इम्प्लीमेंट करते हो, तो उस इंटरफेस में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, जिनके जितने भी मेथड जिनकी बॉडी डिफाइन नहीं होती है, उसे हमें उस इम्प्लीमेंटेशन क्लास में डिफाइन करने होते हैं. सो मैं बस यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देती हूँ एड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड. इस पे क्लिक करते ही क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपको एक मेथड क्रिएट करके दे देगा विदाउट मतलब बॉडी में कर्ली ब्रेसेस लगा के, कि अब यहाँ पे आप उसकी बॉडी डिफाइन कर सकते हो. तो चलिए आइए इसकी बॉडी में डिफाइन कर देते हैं. काउ ईटिंग ग्रास यूजिंग इंटरफेस, इंटरफेस, काउ ईटिंग ग्रास यूजिंग इंटरफेस. ओके, सो आई होप आपने जैसे कि देखा हमने अपना जो मेथड था उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके उसकी एक बॉडी डिफाइन कर दी. अब अगर हमें अपने इस मेथड को यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने एक्सेप्शन डेमो क्लास में जाएंगे एंड अब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ठीक है, मैंने यहाँ पे रैंडमली एक वेरिएबल का नाम दे दिया है, बट प्लीज़ आप लोग नेमिंग कन्वेंशन पे ध्यान दीजिएगा एंड सही से स्पेसिफिकली वही नाम डिफाइन करिएगा. ओके, डेमो डॉट करके मैंने ईट मेथड कॉल कर लिया और हमने पहले अपने जो भी सिस आउट करे थे उनको मैंने यहाँ पे भी कमेंट करती हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट क्लियरिफाई हो जाए कि हम क्या प्रिंट कर रहे हैं. सो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे प्रिंट हो गया काउ ईटिंग ग्रास यूजिंग इंटरफेस. ओके, सो गाइस मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती थी, लाइक जो हमारे की पॉइंट्स होते हैं एब्स्ट्रैक्शन के जो कि इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं. सो उसमें पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारे क्या जो एब्स्ट्रैक्ट के मेथड्स होते हैं, लाइक जैसे हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, क्या इसकी बॉडी हम यहीं पर दे सकते हैं? सो इसका जवाब होता है कि नहीं. इंटरफेस में हम लोग सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं, जब हम उस इंटरफेस को किसी क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं हम फिर वहां पे उसकी बॉडी डिफाइन करते हैं. ठीक है, जो ये अभी मैं की पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ये सब आपको अच्छे से माइंड में याद रखने हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू में घुमा फिरा के मतलब अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं. दूसरा की पॉइंट हमारा ये है कि जैसे कोई रेगुलर क्लास हो गई हमारी, जैसे कि रेगुलर क्लास ये हो गई और इसने एक्सटेंड किया हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, एनीवन हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, ठीक है. सो ये कंपल्सरी है कि अगर हमारी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी मेथड, वो सब हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें. जैसे कि हमने यहाँ पे ये ईट क्रिएट किया था, अब एक मैं एक और मेथड क्रिएट करती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट वाइट वॉक, ठीक है, फाइल को सेव किया तो इसने यहाँ पे मुझे एरर बता दिया. एरर क्यों बता दिया? क्योंकि वो वाला मेथड जो कि हमने भी नया बनाया एनिमल वाली क्लास में, हमने अपने लॉयन और काउ में उस वाले मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया, मतलब यहाँ पे हमने उस वाले मेथड की बॉडी देकर उसको डिफाइन नहीं किया, तो ये एरर बताएगा. सो इट्स रियली कंपल्सरी कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से बनाते हैं उन सबको हमें डिफाइन करने के लिए जहाँ भी हम उस क्लास को एक्सटेंड करा रहे हैं वहाँ पे उसकी बॉडी देना कंपल्सरी होता है. ओके, और गाइस तीसरा की पॉइंट हमारा ये है कि हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, जैसे कि एनिमल हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. आप चाहे तो बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है. अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ. मैंने बनाने की कोशिश करी बट इसने कुछ एरर दिया. एरर क्या दिया? आपको लग रहा ऐसा लग रहा हो कि पहले के एरर की वजह से एरर है, तो चलिए वो भी मैं आपको सॉर्ट कर देती हूँ. आप देख सकते हैं एरर चला गया, ठीक है, बट यहाँ पे एरर अब भी है. एरर बता क्या रहा है? कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप एनिमल. ये टाइप एनिमल को इंस्टेंशिएट नहीं कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि जो एनिमल है हमारा ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये एक नॉर्मल क्लास नहीं है. सो आई होप आपको ये भी समझ में आया और ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैं इन सबको अभी बेसिकली फोकस कर रही हूँ ताकि आप एब्स्ट्रैक्शन जब समझ रहे हो तो गो थ्रू करके डीपली एक एक पॉइंट समझो. एंड जो हमारा लास्ट पॉइंट है बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट. सो जैसे कि आप समझ चुके हैं एब्स्ट्रैक्शन को हम लोग दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करके भी और इंटरफेस का यूज करके. बट अगर हमें अपना 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो ऑफकोर्स हम सिर्फ इंटरफेस का यूज करेंगे, ठीक है. ये बहुत ज्यादा पूछा जाता सवाल, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, प्लीज रिमाइंड इट अपने दिमाग में, आप इसको फीड कर लीजिएगा. ओके, सो आई होप आपको
हमारा जो एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, फिर वो चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करके हो चाहे इंटरफेस को यूज करके हो, दोनों ही तरीके से आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, एंड गाइस पूरी प्लेलिस्ट को सही से फॉलो करिएगा। थैंक यू।